खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया है। ये मीटिंग एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय, सिटी मजिस्ट्रेट अनुप सिंह, सीओ सिटी कुलदीप सिंह द्वारा थाना इलाके के सिविल लाइन के मदरसा महमूदिया सरवट में धर्मगुरुओं सभ्रांत युवकों के साथ आयोजित की गई। मोहम्मद मुफ्ती जाहिद ने बताया कि मीटिंग में उपस्थित धर्मगुरुओं गणमान्य सभ्रांत युवकों से अपील की गई कि आगामी त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखे, किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं दे। अराजकता और अफवाह भ्रमक जैसी खबरें फैलाने वालों की सूचना तत्काल पुलिस को दे। प्रशासन का कहना है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण का माहौल बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। आज यहाँ एसपी सिटी साहब और इसी तरीके से एडीएम साहब वगैरह वगैरह अधिकारी लोग आए थे और अभी अभी मीटिंग ख़त्म हुई है। वो लोग जो अलविदाई जुमा होता है और ईद की नमाज़ होती है, लाउड स्पीकर हैं। इस ताल्लुक़ से ये मीटिंग हुई, उन लोगों ने समझाया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर है, लिहाजा स्पीकर जो हैं उतने ही लगाए जाएँ जितना ऊपर से हुक्म है, बाकी अगर जायद हैं तो उनको उतार दिया जाए, आवाज़ को थोड़ा धीमा रखा जाए। और इसी तरीके से जो अलविदाई जुमा है उसके ताल्लुक से ये है कि ज़्यादा भीड़ मस्जिदों में इकट्ठी ना हो, यानी मस्जिद में सही तरीके से नमाज अदा की जाए, अलबत्ता रास्तों में भीड़ इकट्ठी ना हो। हाँ, सड़क पर नमाज अदा ना की जाए। इसी तरह ईद के मौके पर भी ईदगाह के अंदर जितने लोग आएँ उतने ही लोग ईदगाह में जाएं और बाकी लोग अपने महल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करें, रास्तों को जाम ना करें।